का दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बैद्यनाथ अश्कुठार रस के बारे में बताऊंगा, जो बवासीर के लिए बहुत उत्तम दवा होती है। मैं आपको आयुर्वेदिक के हिसाब से इस मेडिसिन को बताऊंगा दोस्तों, बैद्यनाथ कंपनी का। इसलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी बारे में पता चल सके कि इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस अर्शकुठार रस को देख रहे हैं, जो बवासीर के लिए यूज किया जाता है। ये कब्ज नाशक होता है, सूखी और बादी बवासीर को नाश करता है। इसके नियमित सेवन से बवासीर के जो मस्से होते हैं वह सूख जाते हैं और बवासीर से प्रायः कब्जियत रहती है, और यह कब्जियत तथा मंदाग्नि को नाश करता है। अतः बवासीर में विशेष लाभकारी है दोस्तों। ये दोस्तों, आपको जो पूरी उम्र वाले हैं उनको 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, और इसके साथ आप कुटजा वले, बहुसाल गुरु और भी कुछ ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, जैसे पुराने लाल चावल, गेहूँ, जौ की रोटी, कुलथी की दाल, परवल, पपीता, जमीकंद, बथुआ, चौलाई, मूली, गदपूर्णा, मक्खन, घी, दूध, मट्ठा, हरा आंवला आदि वायुनाशक एवं अग्नि दीपक सभी वस्तुएं हितकर हैं। ये दोस्तों सॉरी, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और अपथ्य, जो आपको नहीं खाना चाहिए, वह उड़द की बनी वस्तुएं, दही, मांस, मछली, मटर, पोई, साग, घोड़ा, ऊंट की सवारी भी नहीं करना है आपको। मल मूत्र के वेग को रोकने के मसालेदार चरपरी वस्तुएं भी आदि आपको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं अर्शकुठार रस, जो मैंने आपको बताया कि बवासीर में यूज किए जाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी मेडिसिन करते करते थक जाते हैं और भी बाकी कई मेडिसिन करते करते थक जाते हैं, तो आपको उसमें साइड इफेक्ट भी कई होते हैं, और ये जो अर्शकुठार रस है इससे साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए मैं आपको इसको प्रेक्टिस करूंगा, और आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं जो BAMS डॉक्टर किए हुए हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी जो किए हुए हैं, उससे आप इसकी वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको हम अर्शकुठार रस लेने के लिए बोलेंगे। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाल घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं और आपके पास ये वीडियो पहुंचते रहेंगे, जिससे आपको परेशानियां नहीं होंगी। और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए दोस्तों।